हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मटन। मटन बनाने की रेसिपी वैसे हमारे हस्बैंड की है, पर हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, क्योंकि चिकन मटन हम किचन में नहीं बनाते, तो इसलिए आपको बस हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो मटन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ। तो प्याज को हम यहाँ से बहुत ही बारीकी से कट करेंगे। सभी प्याज को स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी प्याज को कट करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आपको दिखाते हैं कि हमारे हस्बैंड जी मटन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को कट कर लिया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है, लहसुन भी ले लिया है, यहाँ पे 2-4 तेज पत्ते ले लिए हैं। तो हमने सारे तड़के को तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम कुछ मसाले भी बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक साबुत धनिया ले लिया है, 2-4 लाल मिर्च ले लिया है, जीरा, काली मिर्च, प्याज ले लिया है 1 छोटा, अदरक का टुकड़ा ले लिया है 1 इंच, लहसुन की 2-4 कलियाँ ले लिया है हमने। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसे हमें बहुत ही बारीकी से पीसना है, तो इसे हम डालेंगे मिक्सी जार में। यहाँ पे इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक पतला पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसका बहुत ही बारीक पेस्ट बनाना है हमें। तो हमारा पेस्ट बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हो, हमें इसी तरह का पेस्ट बनाना है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। सभी मसाले को हम पलट लेंगे। आप लोग देख सकते हो, पेस्ट हमें बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। इसको हम करते हैं साइड में। यहाँ पे हमने फिर से वापस से एक कटोरी ले लिया है। हम बनाएंगे कुछ मसाले। यहाँ पे हम कुछ साबुत बुक्की मसाले लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला ले लिया है, 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 मसाले हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। मसाले हम थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि हमने पेस्ट भी बनाया है, तो फिर उसमें भी कुछ मसाले हैं, तो यहाँ पे मसाले हम थोड़ा ही रखेंगे। मटन भी 1/2 kg है, तो यहाँ पे इसे मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसी तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। हमारे सारे मसाले तैयार हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ताकि ये और पतला हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, अभी थोड़ा थिक है। तो बस पानी हमारा ऐड हो चुका है, मसाले भी बहुत अच्छे से घुल गए हैं। मसाले अभी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ये और भी गाढ़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हमने पतला ही घोल बनाया है। तो इसको करते हैं साइड में। यहाँ पे सभी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। प्याज वगैरह सब कुछ कट गया है, मसाले भी सारे तैयार हैं, पेस्ट भी आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से आपको मटन बनाने के लिए सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है। यहाँ पे सभी चीज़ तैयार है। अब यहाँ पे पतिदेव ने मटन वटन धुल के अच्छे से साफ कर लिया है। अब उन्हें मसाले वगैरह सब कुछ दूर से ही दे देंगे, क्योंकि हमारे बर्तन अलग होते हैं चिकन मटन के।
तो अपना बनाएंगे अलग से ही, हम यहाँ से सारी चीज़ें छोड़ देंगे उन्हें। यहाँ पे सभी प्रोसेस हमने तैयार कर दिया था, क्योंकि ये सब पतिदेव करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने करके दे दिया था उन्हें, वो अपना बना लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डाल दिया है, प्याज टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको भी डाल दिया है। मसाले डाल देंगे अपने जो घोल के रखे थे। तेल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मटन को ना तो भूनना है, ना तो इसे फ्राई करना है, ना तो इसे उबालना है। हर जब भी कोई मटन बनाने जाता है तो उसे उबालने की चिंता ज़्यादा लगी रहती है कि हमें तो इसे उबालना है, एक घंटे लग जाते हैं उबालने में। बस आप इसी प्रोसेस पे तैयार कर दें सारी चीज़ें, ऐसे मिक्स करके रख दें 10 मिनट के लिए। आपको उबालने की, किसी चीज़ की छौंकने भूजने की, तड़का देने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मटन बहुत ही परफेक्ट बनता है, जो भी इस तरह की रेसिपी ट्राई करते हैं उन्हें पता है मटन बहुत ही अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे नमक भी डाल देंगे, नमक हमने स्वाद अनुसार लिया। तो आप ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे बस सारी चीज़ों को मिक्स करके इसे गैस पे रख देना है, कुछ भी नहीं करना है, पानी भी नहीं डालना है इसमें। पानी इसमें लास्ट में, आप जैसा ग्रेवी खाना पसंद करते हो, गाढ़ा कम उसी हिसाब से डाल सकते हो, पर बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आपको बिल्कुल भी टिटिम्मा करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बहुत ईजिली बन जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें हम स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और जो हमने तेज पत्ते रख लिए थे साइड करके उसको भी डाल देंगे इसमें। तो बस इसी तरह से आपको करके 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि प्याज जो है, प्याज में नमक पड़ा है तो अच्छे से पानी छोड़ देगा, वो गल जाएगा। बस ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे 10 मिनट हो गया था, तो इन्होंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें थोड़े बहुत बबल भी आ गए हैं। इसी तरह से आपको बनाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको देख लेंगे, 5-5 मिनट पे चलाते रहेंगे तो अपना चला लेंगे इसको। बस इसको कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से बनाना है। इसको आधे घंटे तक ऐसे भून लेना है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी आप डाल सकते हो, जो भी आपको खाना है। तो बस इसी तरह से चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि नीचे लगे नहीं। यहाँ पे वापस से इसे ढक देंगे, ढक के 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिए थे, अब वापस से चला लेंगे। इसी तरह चलाते रहेंगे बार बार, और आप लोग देख सकते हो मटन का कलर, मटन बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह थोड़ी देर चलाते रहेंगे, ताकि नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे, अच्छे से पक जाए चारों तरफ। तो आपस से इसको ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। वापस से इन्होंने चला लिया है, आप लोग देख सकते हो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो गई है। बस इसी तरह चलाते रहना, और कुछ भी नहीं करना है। प्याज एकदम से गल गया, आपको प्याज का कहीं भी एक टुकड़ा नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप पानी ऐड कर देंगे, पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे बस इतना ही पानी रखेंगे, इसको वापस से मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, मसाला वगैरह। बस इसको थोड़ी देर और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि अच्छे से पक जाए। यहाँ पे ढक के छोड़ दिए थे, और ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक गया है। तो मटन बनके बिल्कुल ही तैयार है, और बहुत ही परफेक्ट मटन बना है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो सारे पीसेस बहुत ही अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ता देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, तो धनिया पत्ता ज़रूर डालें। यहाँ पे इसे सर्व करेंगे।
इसी तरह से इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो, हर किसी के साथ अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताना हमारी रेसिपी कैसी थी। आप लोग एकदम पास से भी देख लो, मटन बहुत ही अच्छा बना है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।